हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन इस बार ये विवाद इन दोनों के पर्सनल रीजंस को लेकर नहीं है बल्कि अपनी फिल्मों को लेकर छिड़ा है। दोनों की फिल्म मेंटल है क्या और सुपर 30 की रिलीज डेट क्लैश होने को लेकर इस विवाद को एक बार फिर हवा मिल गई है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों की कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं अब इस मामले में कंगना की बहन रंगोली चंदेल कूद पड़ी है। आपको बता दें कि रंगोली ने ट्वीट कर ऋतिक पर निशाना साधा है और बैक टू बैक कई ट्वीट कर लिखा है, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो युद्ध क्षेत्र में मिलने के बजाय पीठ पर वार करना पसंद करता है। जितना तू और तेरा पीआर कंगना को गिराएगा उतना ही वो तेरी मारेगी। अब तक वो इस बारे में नहीं सोचती थी, मगर अब तू देख जादू। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, तू अपने चिल्लर पीआर से ट्वीट करवाता रहे, वो एक इंटरव्यू देगी और तेरे चारों खाने चित। बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है जो वो जब चाहे फिल्म रिलीज करे, लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है, कॉमन सेंस है ही नहीं। अब देख बेटा तेरा क्या हाल होगा। रंगोली यही नहीं रुकी, इसके आगे उन्होंने लिखा, कंगना ने एकता कपूर को 26 जुलाई को मेंटल है क्या रिलीज नहीं करने के लिए कहा, लेकिन एकता बोली कि एक निर्माता के रूप में उन्हें फिल्म की रिलीज डेट तय करने का अधिकार है। फिर वो अपने बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन से मिली थी और फिर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया। तो देखा आपने, पहले तो रंगोली ने कंगना की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि कंगना ने एकता से इस क्लैश को रोकने की बात कही थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने ये तारीख तय की है। उसके बाद रंगोली ने ऋतिक पर कंगना के खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाने का भी आरोप लगाया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कंगना ने क्लैश रोकने की बात कहकर ये सबूत दिया है कि वो ऋतिक से डर गई है। वेल, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना और ऋतिक के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो रंगोली ने ऋतिक पर एक के बाद एक इतने आरोप लगाए हैं, उसके बाद देखने वाली बात तो ये होगी कि ऋतिक सामने से अब कैसे रिएक्ट करते हैं। बात करें दोनों ही फिल्मों की तो बता दें कि जहां एक तरफ कंगना की मेंटल है क्या को प्रकाश कोविला मुली डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की सुपर 30 को अनुराग कश्यप और विकास बहल ने मिलकर डायरेक्ट किया है और दोनों ही फिल्में आने वाले 26 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे आप दोनों में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी टीम इतनी स्पिरिटेड है, आज उन्होंने हम लोगों के लिए एक रैपअप पार्टी रखी है,
So I just want to be a part of this celebration. But if you ask me, I am down with fever. फिल्म अब कंप्लीट हो गई है, कई चीज़ें अड़चनें आई और कई मुश्किलात आई जी, उनको पार करते हुए अब ये आ रही है फिल्म, उसके बारे में कुछ बताएं। वेल, हर फिल्म की एक अपनी जर्नी होती है और इस फिल्म की भी अपनी जर्नी है। इट्स ट्रू के शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है और तभी हम लोगों को आज सेलिब्रेशन करने का इतना मन कर रहा है, क्योंकि वी ऑल स्ट्रगल अ लॉट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंटल दैट आई हैड टू डायरेक्ट द फिल्म इवेंचुअली, बट व्हेन इट हैपेंड आई वॉज टेकन अबैक, बट जब मैं प्रोसेस में गई तो मुझे बहुत मज़ा आया। सोनू चले गए, कई लोग चले गए फिल्म से, ये थोड़ा आपके लिए सेटबैक रहा होगा? वेल, कई तरह के, जब आप फिल्म डायरेक्ट करते हैं और भी एक्टर्स के कॉम्बिनेशन डेट्स मुझे नहीं मिल रहे थे, कईयों के लिए हम लोगों ने चार्टर्स तक भेजे, इतने हर एक चीज़ की अपनी अपनी कहानी है। But eventually, if you ask me, it's been absolutely gratifying to be directing. Release date तय है? Yes. 20 January. उस दिन दो और फिल्में release हो रही हैं, कितना competitive आपको लगता है कि? Cancel हो गया ना? I think I don't think any of the film is coming on that day. But even if it's our the 25th, our film as we said is belongs to that particular date, given the sentiments on that date. But हाँ, but it's a big holiday, and for us it's important that the relevance of the subject is with something to do with. With the you know either Republic Day or Independence Day. फिल्म किस बारे में थोड़ा सा हमें वैसे तो मालूम है, लेकिन दर्शक आज जो देख रहे हैं कंप्लीशन पार्टी पे आपके मतलब मुख से और आपसे सुनेंगे तो बहुत अच्छा। Like I said, I am really unwell today, so I'll take your leave. पर हम लोग जो है प्रोमो लॉन्च करेंगे दिसंबर में सम टाइम, एंड वी रियली होप दैट यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच। आप ट्रू झांसी की रानी बन गई हैं, मतलब जिस तरह से आपने स्वतंत्रता मतलब पूरे समाज को स्वतंत्रता से दिलाने की सोची है। मैं कंप्लीशन होने दूँ कुछ भी, ये भी डाक ट्रू में मतलब लाइक जो समाज पूरे देश को एक नई आज़ादी दिलाने के लिए यू सही में झांसी की रानी इस पर आप कुछ कहिए। देखिए हर एक मैं भी आज सोच रही थी कि आज मुझसे सुमित नहीं, थैंक यू वेरी मच, सुमित मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है। आई थिंक हर लाइफ वॉज वेरी ट्रैजिक, उसकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष था, महारानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष था। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ यू विल विश अपॉन एनीबडी दैट यू लाइक और एनीबडी दैट यू लव। एंड द सेम विद माई लाइफ, आई वुडंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव हैड और आई एम हैविंग। I don't know why, but I have to fight for everything. I have to fight for literally everything since I'm born. वो सिमिलैरिटी तो है, मतलब बिना लड़ाई के मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। सो दैट्स फाइन, बट इफ़ यू आस्क मी, आई एम नीदर प्राउड नॉर अशेम्ड, आई एम जस्ट ओके विद द वे माई लाइफ इज। बट इफ यू आस्क मी डू आई वॉन्ट दिस फॉर माई चिल्ड्रेन, डू आई वॉन्ट दिस फॉर एनी वन हू आई लव, नो। सर सामने, सर सामने,
सर इधर।